मैं एक्टर इसलिए बना क्योंकि मेरे एक प्रॉब्लम थी। मैं एक इंट्रोवर्ट था। मैं फैमिली में सबसे छोटा था। मुझे इतना लाड़ प्यार मिला कि जब मैं घर से बाहर जाता था तो मुझे पता नहीं था कि लोगों से कैसे बात की जाती है। तो उस लाड़ प्यार की वजह से मैं एक शर्मीला और एक इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया। मुझे अब भी बात करनी नहीं आती। मुझे स्टेज से डर लगता है। एज एन एक्टर मैं उन सब फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स के पीछे छुप जाता हूँ जो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं इतना स्मार्ट नहीं था जितने आप लोग। आपको पहले से पता है कि गला काट कॉम्पिटिशन क्या होती है। आपको हार्डवर्क, प्रिजर्वेंस, विजन, फोकस, सेल्फ बिलीव जैसी चीजों की अहमियत पहले से पता है। तो मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, अपने सपनों का पीछा करना और अपने सपनों को असल में जीना। जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था तो बदकिस्मती से दो बातें मुझे किसी ने नहीं बताई थी, और वो दो बातें हैं कामयाबी के बारे में एक सबसे बड़ा झूठ और एक सबसे बड़ा सच। सबसे बड़ा झूठ ये है कि मनी प्लस रिकग्निशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। जब मैं बड़ा हो रहा था तब पैसा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे पैसों से बहुत फर्क पड़ता था और मेरी फैमिली की तीन जनरेशन ने कभी यह महसूस नहीं किया कि फेम आखिर क्या होता है। तो बेसिकली पैसा और रिकग्निशन दोनों मिसिंग थे जो मुझे चाहिए थे। मेरी शुरुआत एक फेलियर के तौर पर हुई। मेरी फैमिली ने मुझसे कहा कि मुझे इंजीनियर बनना होगा। मेडिकल फील्ड मेरी सिस्टर्स के लिए बुक थी। तो एक बार अगर मैं इंजीनियर बन गया तो मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता था और फिर उसके बाद शायद खुशियों के सारे दरवाजे खुल जाते और मैं हमेशा के लिए कामयाब और हमेशा के लिए खुश रह सकता था। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तब ऐसी मेरी कंडीशनिंग हुई थी। तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा बन गया। 10th के एग्जाम्स में मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स लाया और फिर मैं 12th के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया और विद्या मंदिर, फिटजी समेत कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन ले लिया। उस समय मैं मेरे जैसे ही तीन एस्पिरेंट्स के साथ रूम शेयर करता था। इसका मतलब वहाँ अपने स्कूल असाइनमेंट्स फिनिश करने के बाद, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की पढ़ाई करने के बाद मुझे अपने कपड़े धोना पड़ते थे, खुद के लिए खाना बनाना पड़ता था, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करता था क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार कामयाब इंसान बनने के बहुत करीब था। तो फाइनली मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए सिलेक्ट हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लूंगा। मेरी फैमिली में जश्न मन रहा था। फाइनली अब मैं रुक कर सांस ले सकता था। मैं खुद से कह रहा था कि तुम्हें पता है, तुमने कर दिखाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं बन रहा था। कुछ ना कुछ मिसिंग था, एक खालीपन को मैं महसूस कर सकता था। तो मैंने सोचा कि मुझे शायद और बड़ी कामयाबी की जरूरत है। जब मैं 18-19 साल का था तो किसी वजह से मुझे फ्यूचर में प्रेजेंट से ज्यादा खुशी और ज्यादा कामयाबी दिखाई देती थी। तो मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं मान रहा था कि मैं इसे पास कर ही लूंगा, लेकिन मैं बोर हो गया और यूपीएससी एग्जाम्स बहुत दूर थे। इस दौरान मुझे थिएटर करने का ख्याल आया और मैंने सोचा कि मुझे अपनी शाइनेस खत्म करने के लिए डांस सीखना चाहिए। और एक रीजन ये था कि मेरे इंजीनियरिंग कोर्स में कोई लड़की नहीं थी। मुझे एक धोखे जैसा फील हुआ। आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करते हो और आपको पता चलता है कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं है। तो किसी ने मुझे बताया कि डांस स्कूल में बहुत गुड लुकिंग लड़कियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाते हैं। तो जब मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स शुरू किया तो एक चीज़ के लिए मैं श्योर था, वो ये कि ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और 3 साल बाद मैं कैंपस में बैठ कर ये सोच रहा था कि ठीक है, मुझे परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत पसंद है और कुल मिलाकर मुझे पैसा और फेम ही तो चाहिए, तो क्यों ना मैं एक फिल्म स्टार बन जाऊं। मैं बहुत सीरियस था। 3rd ईयर में मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मैं डिग्री से, इंजीनियरिंग डिग्री से बस 2 सेमेस्टर्स दूर था। मैं मुंबई आ गया और पूरी तरह से थिएटर में घुस गया और एक्टर बनने के लिए जो स्किल्स की जरूरत थी वो सीखना मैंने शुरू कर दी। और उस टाइम मैं एक सिंगल रूम किचन में 6 दूसरे लड़कों के साथ रहता था, लेकिन इस टाइम मैं तैयार था। इस टाइम में एक फर्क था, वो ये कि मैं बहुत जोश में था। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगा हुआ था, इसलिए मुझे हर किसी को एक बात साबित करनी थी। मुझे अपने परिवार को एक बात साबित करनी थी और सबसे जरूरी मुझे खुद को एक बात साबित करनी थी। और ये वो टाइम था जब मैं एक बैकग्राउंड डांसर था और मैं हर उस स्टार के पीछे डांस कर रहा था जिनके बारे में आप सोच सकते हो, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, हर कोई। और मैं उनके पीछे डांस करते हुए ये सोचता था कि मैं बस 3 कदम तो दूर हूं, मुझे बस वहां तक तो जाना है जहां वो स्टार डांस कर रहा है और फिर मेरी लाइफ की हर चीज ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता रहा और 2 साल बाद गेस व्हाट, मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक मिला। मैं एक प्राइम टाइम टीवी शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। ये सीरियसली एक बड़ा ब्रेक था।
क्योंकि मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था और लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया था। ईमानदारी से बताऊं तो मैं जानबूझकर मॉल्स घूमने जाता था ताकि लोग मुझे देखें, स्माइल करें, मेरा ऑटोग्राफ लें। और मैं खुद को पहली बार टीवी पर देख रहा था। आपको कोई आइडिया नहीं है कि जब मेरे जैसा इंसान खुद को टीवी पर देखता है तो कैसा लगता है। मैं रोज खुद को टीवी पर देख रहा था। ये बहुत 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 बड़ा नशा था। मैंने ये भी देखा कि मेरे जो दोस्त इस सफर में मेरे साथ नहीं थे अचानक से उभर कर आने लगे। वो शो बहुत पॉपुलर हो गया। मैं बहुत पैसा बना रहा था और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे पैसों से फर्क पड़ना बंद हो गया और मैं और ज्यादा पॉपुलर होते ही जा रहा था। अब मैं उन मॉल्स में नहीं जा सकता था जहां मैं अकेले जाया करता था, तो मुझे किसी की जरूरत थी जो मुझे लोगों से बचा सके। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अपने लिए पहला ड्रीम हाउस खरीदा, मैंने अपने लिए मेरी ड्रीम कार खरीदी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जितना मुझे फीमेल अटेंशन मिल रहा था उतना मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त बस सपने में ही सोच सकते थे। मैं बहुत अच्छा टाइम बिता रहा था और तभी कुछ अजीब सी चीज मेरे साथ होती है। मुझे इस फेम और पैसों की आदत हो जाती है और मैं फिर से धोखा खाया हुआ महसूस करने लगता हूँ। जो सपना मैं जी रहा था, मैंने इसके लिए 10-15 साल इंतजार किया था, मुझसे खुशी का और कामयाबी का वादा किया गया था, लेकिन ये चीजें मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन रहीं। मैं खुश नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सक्सेस का ये वर्जन अच्छा नहीं लगा। मुझे फिर से प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर में ज्यादा कामयाबी और खुशी दिखने लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और करूंगा। अब आती है दूसरी बात, सबसे बड़ा सच। मुझे पता चला कि जो चीजें हमें बड़ी दिखती हैं वो जब हमें मिल जाती हैं तो पता चलता है कि वो बड़ी नहीं है। अपने पास्ट में देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी चीजें थी। इन सालों में मुझ पर बस यही जुनून सवार था कि आगे क्या होने वाला है। मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ किया करता था कि अगर ये हुआ तो ये करूंगा और 6 महीने में मैं यहां पहुंचूंगा। मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहता था। मुझे अपने फ्यूचर को लेकर जुनून सवार था। मैं पास्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहा था, लेकिन मैं पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रहा था और प्रेजेंट में नहीं जी रहा था। मुझे पता चला कि जब मैं स्टेज पर या कैमरा के सामने परफॉर्म करता हूँ तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मैं उसमें इतना खो जाता हूँ कि मुझे पास्ट और फ्यूचर की फिक्र नहीं रहती। मैं बस उस लम्हे को जीता था और जब मैं परफॉर्म कर रहा होता था तब सही मायनों में मैं जिंदा होता था। और पहली बार, मुझ पर विश्वास करिए कि पहली बार मैंने ये समझा कि सक्सेस का असल मतलब क्या होता है। ये पैसा और फेम नहीं था, ये प्रेजेंट था और एक्साइटमेंट था। जब मैं स्कूल में था तो 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ऐसा था जब मुझे बाहर जाना और खेलना अलाउड था। मुझे इंजीनियर बनने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं तो कुल मिलाकर बस 4 बजने का इंतजार करता था और 4 बजते ही मैं बाहर जाकर खेलता था और वो 1.5 घंटा मुझे 5 मिनट्स के जैसा लगता था। मैं इसे तब नहीं समझ पाया, लेकिन अब बहुत ऑनेस्टली और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं वो 4 बजे से 5:30 बजे वाला टाइम राइट नाउ पिछले 5 सालों से जी रहा हूँ। कॉज और इफेक्ट अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। एक्साइटमेंट ही कॉज है, एक्साइटमेंट ही इफेक्ट है। तो 5 साल बाद मैं यहाँ हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा और फेम है, लेकिन अब मेरी लाइफ में पैसा और फेम की कोई औकात नहीं है।